नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ अनु। नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने आज लक्षद्वीप में 1,150 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शिलान्यास, तो वहीं केरल में महिला सम्मेलन को किया संबोधित। बोले, केरल की बेटियों का देश के विकास में है अमिट योगदान। अडानी हिंडनबर्ग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने SIT जांच के आदेश देने से किया इनकार, अडानी ग्रुप को मिली राहत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गहन चिकित्सा इकाई को लेकर नए दिशा निर्देश किए जारी। मरीजों या उनके परिजनों को ICU में रखने से पहले लेनी होगी उनकी अनुमति। जोधपुर में UP के CM योगी आदित्यनाथ ने किया संबोधित। बोले, धर्म एक ही है और वो है सनातन धर्म। तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी से गौतम अडानी के बेटे ने की मुलाकात, राज्य में निवेश पर की गई बातचीत। जापान प्लेन हादसे से बड़ी जानकारी आई सामने, 90 सेकंड्स में 3 स्लाइड्स गेट से बची जान। सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म द बुल के लिए ले रहे हैं ट्रेनिंग। सलमान इसमें ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा के किरदार में आएंगे नजर। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच आज दूसरे टेस्ट मैच में रोहित शर्मा नहीं पूरा कर पाए अर्धशतक, हालांकि दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी महज 55 रन पर सिमटी। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट, 24 कैरेट गोल्ड में 258 रुपए प्रति 10 ग्राम की हुई गिरावट, तो वहीं चांदी के रेट में 870 रुपए प्रति किलो की आई कमी। बिग बॉस 17 से बड़ी खबर आई सामने, ईशा मालवीय और समर्थ जुरैल ने अभिषेक कुमार की मेंटल हेल्थ का बनाया मजाक। एक्टर अभिषेक कुमार के समर्थन में रितेश देशमुख और अंकित गुप्ता आए नजर। आज की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश लाइव। नमस्कार।